Whenever life plants you, bloom with grace. Well, sometimes only in the morning, and Jack Monshia Pantanthos has taken it seriously. इस प्लांट की फैमिली है कन्वोल्वुलेसी, या इसे हम कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली. हमने देखा किस तरह से ये सुबह बिल्कुल खिल उठता है. स्वीट पटैटो शकरकंद, जिसका नाम है आइपोमिया बटाटा, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, इसलिए इस फैमिली को स्वीट पटैटो फैमिली भी कहा जाता है. जैक मॉन्शिया के कुछ और नाम भी हैं, जैसे स्काई ब्लू क्लस्टर वाइन और जक्षिणी. अगर हम देखें इस प्लांट को, तो इसकी पत्तियों के शिरा विन्यास से हमें ये पता चलता है कि ये एक डाइकॉट प्लांट है, क्योंकि यहाँ रेटिकुलेट या जाली कवत विन्यास है. हालांकि ये बहुत एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कुछ मोनोकोट्स के अंदर भी इस प्रकार का विन्यास देखने को मिलेगा. बट हम अगर कंपेयर करें कुछ और चीज़ों को, जैसे ब्रांचिंग को, हमने देखा था डिफेनबाकिया में बहुत सिंपल ब्रांचिंग थी, लेकिन यहाँ पर डाइकोट्स में कंपेरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचिंग होती है. और अगर हम इसके स्टेम की तुलना करें एलमेंडा के साथ में, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर साथ लगे हुए हैं, तो इसका स्टेम बहुत ही डेलिकेट सा होता है, हर्बेशियस स्टेम होता है. इस प्लांट के अंदर 5 सेपल्स हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं, 5 पेटल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इन पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं 5 स्टैमेंस. अगर हम पेटल्स को अलग करेंगे तो स्टैमेंस भी अलग हो जाएंगे. इस प्लांट की स्टिग्मा बाइफिड यानी द्विभाजी शाखित है. अगर हम इसकी ग्रोइंग कंडीशंस की बात करें, तो सनलाइट इसको बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से उगेगा वहाँ पर, लेकिन वाटर और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स इसकी मॉडरेट हैं. साथ ही इस प्लांट को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने देखा इसका नाम है क्लस्टर वाइन, तो ये भी एक क्लाइंबर है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर रिकॉर्डेड एनी इंसेक्ट ऑन एनी फ्लावर, एंड दैट वॉज इनक्रेडिबल. I was quite happy after capturing those moments, and this is showing us how the lives are connected and how the insects and plants play their complementary roles in the ecosystem.